आर्थिक राजधानी मुंबई में इन दिनों मराठी साइन बोर्ड का मुद्दा छाया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई डेडलाइन खत्म होने के बाद अब बीएमसी एक्शन मोड पे आ गई है और दुकानों पर मराठी बोर्ड न लगाने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी है। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही तस्वीर मुंबई के अलग अलग इलाकों की है, जहाँ दुकानों पर बीएमसी द्वारा गठित टीमें पहुंच रही हैं और दुकानदारों को नोटिस जारी करने के साथ ही दंडात्मक कार्रवाई भी की जा रही है। आपको बता दें कि बीएमसी ने राज्य सरकार के नियम के मुताबिक दुकानदारों के खिलाफ प्रति कर्मचारी के हिसाब से 2000 का जुर्माना लगाया है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी दुकान में 10 कर्मचारी मौजूद हैं तो उनके खिलाफ 2000 के हिसाब से 20,000 रुपये जुर्माना लगाया जा रहा है। बीते दिनों मुंबई के सभी 24 वार्डों में बीएमसी की अलग अलग टीम ने दुकानों पर सरप्राइज विजिट किया। इस दौरान 3000 से अधिक दुकानदारों के खिलाफ मराठी बोर्ड न लगाने को लेकर नोटिस जारी किया गया है, तो वहीं 150 से अधिक दुकानों पर दंडात्मक कार्रवाई भी हुई है। वहीं बीएमसी की इस कार्रवाई के बाद दुकानदार हरकत में आ गए हैं और अपनी अपनी दुकानों में मराठी बोर्ड लगा रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि बीते दिनों त्योहारों में व्यस्त होने की वजह से बोर्ड नहीं लग पाया है। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की है और जल्द से जल्द मराठी भाषा में बोर्ड लगाने की बात कही है। बीएमसी अपना काम कर रही है, हमको ये लगा कि शायद 30 तारीख तक है, हम थोड़ा इस गलत फहमी के अंदर रहे, वरना हम भी कभी का अपना जो बोर्ड है वो चेंज करवा लेते। अब हमें जैसे ही आज ज्ञात हुआ कि ये सिर्फ 2 दिन पहले तक के लिए अवधि मिली थी बदली करने के लिए, तो हमने बुलाया चेंज करने के लिए, हमारे बोर्ड का माप भी लेके गया है। अब आज के आज तो देगा नहीं, वो उसने बोला कि कल परसों को चेंज करता हूँ, तो हम तो जो न्यायालय ने का आदेश है वो हमारे सर्वप्रिय है। और रही बात ये कार्रवाई की, तो अगर हमने गलती किया है तो उसका हमको दंड मिलना चाहिए। बीएमसी ने कितने फाइन कुछ नहीं मारा, उन्होंने नोटिस दिया है हमको और उसके बाद में उन्होंने बोला है कि आप चाहो तो कोर्ट में इस फाइन को भर सकते हो या अर्जी दे सकते हो। अभी इस बारे में क्या हमें कुछ मालूम नहीं है, लेकिन हमारे पास कार्रवाई उन्होंने बीएमसी के अधिकारियों ने करी है, तो अब जाएंगे देखते हैं कि इसमें क्या होता है। फाइन बोला तो फाइन भरे थे, और अगर फाइन नहीं भरना है कुछ और तरीके से अगर ये सॉल्व होगा इसका तो पूछेंगे। बाकी रही बात बोर्ड की, तो बोर्ड तो हम बहुत जल्दी जल्द चेंज कराएंगे, क्योंकि जो न्यायालय ने आदेश दिया है उसका पालन हमको सपोर्ट करना।